अच्छा अनमोल, शुरू से बात करते हैं थोड़ी। ये बताइए, आपको नो फिल्स एकेडमी के बारे में पता कैसे चला था? सर मेरे को काफी पहले से पता था, मेरे को 2017-18 से पता था। और इवन एक इंस्टेंस ऐसा हुआ था कि आई वॉज इन डेली, कुछ काम की वजह से मैं डेली में था और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है मोहित ही था, तो उसकी सिस्टर इन लॉस की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी, एंड दे हैव टू कम टू मेरठ। सो ही वॉज टोल्ड कि उसको जाना है रात में ही और उसको उनको रिसीव करना है। सो उन्होंने मेरे से पूछा और मैं उनके साथ गया। सो मैं गया तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि मैं आपसे मिलूँ। सो मैं आपके घर पे भी आया था, आपसे मिला भी था, पर आप बिजी थे तो आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, लेकिन मैं मुझे पता था काफ़ी पहले से। और ये मेरे को पता चला था यूट्यूब से नो फ्रिल्स अकेडमी के बारे में, और मैंने एक आपका सेशन देखा था जहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे थे, शायद आपका वो घर ही था और यू वर सिटिंग एट सम चेयर, वो एक वीडियो मैंने देखी थी सर। Understood. And what made you decide in favor of joining No Frills Academy rather than any other place? सर एक इससे पहले मैं एक एंट्री में गया था, TS एंट्री थी, उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। उससे पहले मैंने एक अकेडमी एक कोचिंग ही ली थी, तो वो 15 दिन का खूब रगड़ा लगा, बटरिंग लगी, ओवरलैपिंग हुई चीज़ों की, और मेरे मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है कि 15 दिन में कोई आपको एकदम से कोई एक नई पर्सनैलिटी गिफ्ट कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इट इज़ बेटर कि मैं एक ऐसी गाइडेंस को ज्वाइन करूँ जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि मेरे को ग्रेजुअली मेरी कोर पर्सनैलिटी से मेरे को डेवलप करे, मेरी रो पर्सनैलिटी को चेंज ना कर करके मेरी जो कोर पर्सनैलिटी है जहाँ पे मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पे काम करके मेरे को डेवलप करे। सो दिस वॉज द ओनली रीज़न कि मैंने NFA ज्वाइन की। और उससे पहले मैं कुछ YouTube वीडियोस देख चुका था जिसमें कि मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के कुछ सेशंस को देखा और उन्होंने अपने फीडबैक शेयर किए, तो मैंने फिर आँख बंद करके ले ली कोशिश। तो मोटा मोटा देखा जाए तो क्या बड़े डिफरेंसेस आपने नोट किए अप्रोच जो ने आपको गाइड किया और जो हमारे से गाइडेंस मिली, उसमें क्या डिफरेंसेस नोट किया? सर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जब किसी भी नहीं सर अदर कोचिंग भी हैं, सारी जो अदर वैसी कोचिंग है जो 15 दिन का कोर्स देते हैं, वो बताते हैं कि हाउ यू शुड एंटर इंटरव्यू एंड हाउ व्हाट शुड बी योर पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू सी एनी पिक्चर, यू हैव टू ऑलवेज कंसीव योर रियल हीरो एज योर एज। तो आपने उसमें से स्पेसिफिकली बोल दिया था कि जैसा कैरेक्टर दिखे वैसा ही आपको उसके ऊपर स्टोरी बनानी है। एक तो सबसे बड़ा सर PPTT में और किसी भी टेट पिक्चर में ये बहुत बेसिक डिफरेंस था। फिर सर साइकोलॉजी के ऊपर वो कहते हैं कि यू शुड मग अप सम वर्ड्स और बेस्ड ऑन यू शुड मग अप सम सेंटेंस बेस्ड ऑन सम वर्ड्स, तो वो फिर वेट में काम करेंगे। फिर SRT में भी सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यू शुड नॉट सेव एनी पर्सन हु इज ड्राउनिंग। फिर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे 2-3 तरीके बचे पता चले मेरे को, जहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा डूबने वाले बंदे को भी बचाया जा सकता है। तो एक तो यह था सर कि यहाँ पे जो बातें होती थी वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती थी। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात, कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि प्रैक्टिकल है, तो अगर हमारे साथ भी अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है या ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम भी टैकल कर सकते हैं। वो मग अब रट्टा मारना घोटे मारने का कोई फ़ायदा है नहीं कि सिर्फ हम SSB के पर्पज़ से वो सारे वर्ड्स याद करें। सेकेंड थिंग सर, you always told us that we should develop our personality. You never told us that you should mug up things. You told us that you should have good understanding about things that you are encountering with. So this was the only thing which will help us to bring clarity about some academic things or about our surroundings and about current issues. So this was the difference. फिर सर एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता था कि आप 15 दिन की कोचिंग में जाओ, 15-16 हज़ार रुपये दो, उसके बाद फिर आपका कोई नाता नहीं। अगर आप रिकमेंड हो गए आपको बुलाया जाएगा, क्लास में आपका एक लेक्चर दिया जाएगा, बट यहाँ पे सर एक ये चीज़ है कि आपका बॉन्ड बन जाता है आपसे भी बाकी ग्रुप मेट से भी। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर
हमें आगे भी आपसे बात करने की इच्छा होती है, कोई लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी तो हम आपसे पूछ सकते हैं, हम अपने ग्रुपमेट से भी हेल्प ले सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट थिंग इन एनएफए एंड विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर. ओके ओके, बढ़िया बढ़िया. अच्छा ये बात बताइए, अब जो है आपका इतना बड़ा गैप था कि कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ चल भी नहीं रहा, इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हो. मैं खुद कहता हूँ कि सरकारी इम्तिहान की तैयारी करने वाले लोग को बिल्कुल बिनो ठीक नहीं है अप्रोच. तो जब ये सारी चीजें आपके साथ थी और ऑफ कोर्स दोस्त वोस्त बातचीत करने वालों से भी फीडबैक मिले होंगे, तो उसने जो थे आपके दिमाग में कुछ सेल्फ डाउट डाले होंगे, उनको आपने कैसे ओवरकम किया और कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखा? सर, आई हैड दिस डाउट अंटिल आई हैव मेट यू. जब मेरा आपसे इंटरेक्शन हो गया था उसके बाद वो क्लियर हो गया था. उसके बाद आपने बोला था कि हाँ ये सही नहीं है कि गैप ज़्यादा लंबा हो, लेकिन उस बीच में हम कुछ अदर चीज़, कोई स्किल सीख सकते थे, कोई कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले सकते थे, या कुछ और काम कर सकते थे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते थे, और अगर नहीं लिया तो किसी और कॉलेज या किसी वैसे कोई और, जैसे मैंने बीए किया है तो मैं चाहता था कि मेरे पास कोई एक प्रोफेशनल कोर्स हो. और मैं वो 3 साल जो रुका वो इसीलिए रुका कि मैं शायद कोई एमबीए कर लूँ, कोई प्रोफेशनल कोर्स ऐसा कर लूँ ताकि मेरा एक बैकअप तैयार हो जाए. फिर आपने बोला कि वो 3 साल जो वेस्ट किया उसकी जगह अगर आप, तुमने एडमिशन भी नहीं लिया तो कुछ चीज़ों पे अलग ऐसी चीज़ें जैसे कंप्यूटर में आपने बोला कि एक्सेल वगैरह जानते हो या और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये सब चलाना जानते हो, तो फिर मैंने बोला सर आई हैड वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट इट. तो आपने बोला कि अच्छा इसके बारे में थोड़ी जानकारी लो और कुछ ऐसे कोई कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है तो उसके बारे में पता करो. फिर सर एक चीज़ और थी, मैंने आपसे पूछा था कि मेरे साथ ही के कुछ दोस्त थे जिन्होंने भी ऐसी कोई ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद उनको भी लगा कोई एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था कि अब ये ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी चालू हो गए, जैसे कि यूडेमी हो गया, मसाई स्कूल हो गया, जो कि एक फ्री कोर्सेज देते हैं और वो एक गारंटी जॉब ऑफर करते हैं. तब मैंने आपसे पूछा था इस बारे में, तो आपने बोला था कि अभी इन चक्करों में मत पड़ो, तो मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया था. सो बेसिकली मेरे डाउट ये सब सर आप ही से क्लियर हुए हैं. आपसे मिलने से पहले मेरे पास ये सारे डाउट्स थे और मैंने आपसे पूछे थे. ओके वेरी गुड. अब एक बात है ये कि आप फ्रेशर थे और जो था, बहुत लोग ये कहते हैं कि नो फ्रिल्स एकेडमी जो है ये सूटेड है एनडीए वालों के लिए. अब मुझे पता नहीं ये कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, पर मुझे बताया स्टूडेंट्स ने कि ये जो है बाकी एंट्रीज के लिए तो ठीक नहीं है और इनके पास जीटीओ टास्क पास है नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है. तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीस थिंग्स? सर मेरा व्यू सर एक यही है कि देयर इज वन कोचिंग एकेडमी व्हिच आल्सो टेल देम दैट हाउ वी शुड ईट, उनको कैसे कटलरी यूज करनी चाहिए, हाउ दे शुड ईट फूड बाय द हेल्प ऑफ फोक नाइफ एंड स्पून. वो भी वहां पे भी बच्चे जाते हैं, उनके कितने बच्चे रिकमेंड होते हैं. सर एनएफए की सर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो किसी की रो आइडेंटिटी चेंज नहीं करती, वो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मोटिवेट करती है. और ये बिल्कुल गलत नोशन है अगर ऐसा है कि वो एनडीए के लिए सूटेड है ये एकेडमी, ये सभी के लिए सूटेड है. इवन कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाना चाहता है एंड इफ ही ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी तो ही शी शुड ऑल्सो ज्वाइन. और जीटीओ टास्क ना होने की जो है प्रॉब्लम, सर वो तो सर ऐसा बल्ली फट्टा ये तो समी ने देखे हैं, बस ये है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. वो हम संडे को मनिंदर होस्ट करते ही है सेशन, जिसमें कि वो जीटीओ का एक सेशन कंडक्ट होता है, तो उसमें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाउ वी शुड ब्रिज और हाउ वी शुड प्लैंक. तो ऐसा कोई इतना तो सभी को आइडिया होता है सर कि प्लैंक क्या होता है, फट्टा क्या होता है, बल्ली क्या होती है, रस्सी कैसे बांधनी होती है. मेरे लिए तो सर जीटीओ मैं कहूँगा कि इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई बकेट लेकर के जा रहा है, पानी भर के लेकर जाना है, उसे कैसे जाना है, स्लिपरी ग्राउंड पे कैसे जाना है, ये तो सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो अपने आप आ जाते हैं, वो बस माइंड में है लोगों के. ओके,
अनमोल, आपके पास और अभी अटेम्प्ट हैं? आर यू ड्यू टू अटेंड मोर एसएसबीज? सर आई बी, अभी मैंने सीडीएस नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था. दिस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एज वेल एज एफकेट आल्सो, सो आई विल गिव दोज अटेम्प्ट आल्सो. फर्स्ट क्लास, ओके. तो ये दीजिएगा, प्लीज कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर इंग्लिश एंड योर एकेडमिक्स. बाकी आपका कोई ऐसा इशू नहीं है. थिंग शुड वर्क आउट, रिमेन कॉन्फिडेंट और ये करिए और हायर मार्क्स लेकर करिए जिससे मेरिट सेरिट का कोई इशू ना रहे, ठीक है ना. एंड ऑल्टरनेटिव करियर उसके लिए भी सिक्योर रखिए. आपने बहुत बढ़िया काम किया है. एक महीना बहुत कम टाइम होता है, उस हिसाब से बड़ा अच्छा आपने कमिटमेंट दिखाया है. यू हैव शोन वेरी गुड प्रोग्रेस. प्लीज कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग फर्दर. आई एम श्योर फिजिकल में आपको इशू नहीं आएंगे, ट्रेनिंग वगैरह में कोई ऐसे, दैट विल नॉट बी एन इशू. पर ये चीजें आप करते रहिए जिससे कि यू नो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इज देयर एंड यू अटेन हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है ना. तो ये करते रहो बेटा, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है. बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स से टच में रहिए. कमलेश्वर तो तेरे गुरु है ही, तो ही इज योर गुरु नंबर टू ऑफ नो फ्रेंड्स अकेडमी. So please remain in touch with him and your group members. It's a very good culture all of you have built up because No Frills Academy is all about you people. मैं तो एक आदमी हूँ, मैं और योगिता, we are just two. Majority तो आप हैं. So you know the way you are running the things, the group activities and all that is I would say 90% responsible for the success which No Frills Academy is getting. तो ये भी एक हमारा डिफरेंट बात है कि इसमें आप ही लोग एक दूसरे को मदद करा के काम कराते हो. तो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ यू आर ओपन टू क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स. आई हैव नथिंग एल्स टू आस्क टू से. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू.